कल मुझे पता है इतना ऐसा फील हो रहा था ना कि काश मेरा खुद का घर होता ना, तो इतना टेंशन नहीं होता। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि मैं अभी कहाँ जा रही हूँ। तो आज था अनाबिया का डेट, मतलब वहाँ पे उन्होंने बुलाए थे आज के दिन स्कूल में, और आज है संडे। पता नहीं मतलब खुला होगा कि नहीं खुला होगा, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है, लेकिन जाके पता करते हैं, फिर आप लोगों को बताती हूँ क्या हुआ क्या नहीं वहाँ पे आज। ठीक है, चलो आ गया वैसे भी स्कूल, बताती हूँ मैं आपको पता करके। सो फ्रेंड्स, आप ये पीछे देख सकते हो, यही वो स्कूल है जिसमें मुझे अपनी बेटी का एडमिशन करवाना है। बट गार्ड ने बोला था 10 तारीख को आने को, बट 10 तारीख को नहीं पॉसिबल हुआ क्योंकि आज संडे है ना, तो नहीं हो पाया। अब वेट करना पड़ेगा मुझे कुछ दिन तक के। वो बोला है कि आपको समझ में नहीं आता है संडे को कोई कैसे बुला सकता है। तो मुझे लगा कि पता नहीं एडमिशन का चक्कर होगा गर्दी की वजह से, डेली में अभी एग्ज़ाम्स वगैरह चालू है तो पता नहीं संडे को बुला सकते, ये सोच के मैं आई थी। तो वो मुझे ऐसा बोल रहा था संडे तो कैसे बुला सकते। तो अभी बोला कि आप डेली मैसेज चेक करने का, अभी तक के किसी को भी मैसेज गया नहीं है, जब मैसेज करेंगे तब आना। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका अगर ज़्यादा होगा तो फिर मुझे कम से कम दूसरी जगह तो पता करना पड़ेगा ना, तो नहीं हो रहा है। दूसरी जगह पता नहीं कब पता कर पाऊँगी मैं। एक मिनट, इसका फीस वगैरह पता चल जाता तो मैं दूसरे स्कूल में भी पता करती। वैसे लास्ट टाइम मैंने पूछी थी तो लास्ट टाइम कितना था, 25 था नर्सरी का। इस बार पता नहीं, पता चलता तो कम से कम जुगाड़ करती। जुगाड़ करने का भी एक तरीका मैंने लगाई हो, अगर इसमें मुझे करवाना है ना तो उतने तो फिलहाल है नहीं मेरे पास। फिलहाल क्या नहीं है, एक मिनट, नहीं तो मेरे पास है नहीं, बट मैंने कुछ ऐसा सोचा है करने के लिए, वो आप लोग को बाद में बताऊंगी मैं, जब वक्त आएगा तब बताऊंगी। अभी फ़िलहाल देखती हूँ कहाँ पे करवाना है, इसका पता चल जाता नहीं जमता या जमता तो इंतज़ाम करती है, नहीं जमता तो दूसरी जगह फॉर्म का ट्राई करती हूँ, नहीं तो दूसरी जगह भी फॉर्म का चांस निकल जाएगा कहीं मेरे हाथ से। तो अभी वो ये काम हो गया है, और सुबह उठने का मन नहीं कर रहा था, 10 बजे आई हूँ और इतना आँख जल रहा था ना, मैं सुबह सो रही हूँ। आप लोग ने मेरा पीछे वाला ब्लॉग देखा होगा तो पता चल गया होगा क्यों मैं लेट उठी और क्यों मेरा आँख जल रहा है। मेरा भाई आया था ना तो सुबह सुबह चला गया, कितने बजे, 6:30 बजे चला गया, और फिर से मैं कितना 5 बजे, हाँ 4 बजे सोई थी, और मुझे कितने बजे 5:50 को उठना पड़ा। फिर रोटी वोटी बनाई फटाफट, उसको टिफ़िन वगैरह पैक करके दी, और फिर वो चला गया। जिसको नहीं पता मैं किस टॉपिक पे बात कर रही हूँ, प्लीज़ आप लोग मेरा पीछे वाला ब्लॉग देख लेना। ओके, अभी मैं रास्ते में हूँ, अभी ये मेरे मिस्टर जी भी अनाबिया भी सो रही है, और रास्ते में कुछ काम भी नहीं करके आई। हाँ अब इतना रही हो ना, क्या बताऊँ, अभी घर जाके फटाफट मुझे काम भी करना है, पानी भरना है सबसे पहले, और फिर इसके बाद सारा काम करने के बाद आज सोऊंगी मैं, क्योंकि रात भर नहीं सोई हूँ, सुबह 4 बजे सोई हूँ। और सच बोलूँ ना तो अच्छा मैंने रात में ही चिकन बना ली थी, रात में ही बनाती ना सुबह बहुत घाई हो जाता, तो ये तो शुक्र है कि मैंने बना ली थी। अभी चलो नाश्ता भी नहीं बनाना है, सिर्फ चाय बनाना है, क्योंकि ब्रेड है, ब्रेड बटर खा लेंगे, और चिकन बनाई थी तो रोटी हम लोग के लिए भी बना ली थी, तो रोटी भी है तो ही हम लोग खा लेंगे। चलो फ्रेंड्स, घर जाके मिलते हैं, अभी पहुंचने वाली हूँ, मतलब इधर रोड पे हूँ, गली में नहीं घुसी हूँ, बट सब मुझे घूर रही कि लड़की क्या कर रही है कैमरे में। स्कूल से निकली ना तो वो अंकल लोग और गार्ड लोग देख रहे कि कर क्या रही है कैमरे पे। और अभी भी ऐसे चल रही है ना रोड पे, सब आजू बाजू वाले सब देख रहे कि कर क्या रही है, इसलिए थोड़े से शर्म आ जाती है कभी कभी। तो चलो फ्रेंड्स, घर जाके बात करते हैं। ओके, ए देखो फ्रेंड्स, मैं नाश्ता नहीं करके आई ना तो मेरे लिए टेबल लगी है कि आ जाओ आप बैठ के खा लो। खा
चाहती हूँ, तो मैं बोला 40 का ले लेते। सो फ्रेंड्स देख सकते हो यहाँ पे संडे पार्टी हो रहा है। ये देखो चाइनीज पकौड़ा लेकर आए हैं। यहाँ पे अनाबिया खा रही है, कैसा लग रहा है? नम्मी देखो पाओ। नम्मी नहीं यम्मी बोलते हैं। यम्मी यम्मी यम्मी। और पापा क्या लेकर आए? ये और क्या लाए हैं? पाव। और बनाना। और अंडे। और पाव। ये देखो ये लेकर आए हैं अनाबिया के पापा केला। केला मार्केट में बहुत महंगा है फ्रेंड्स। हमारी इधर पता है 50 रुपये 60 रुपये, किसी दिन 100 रुपये दर्जन ना मिले। आप लोग इधर कितना है कमेंट करना। हमारे इधर तो बहुत महंगा मिल रहा है, 50-60 रुपये। आप फ्रेंड्स किसको किसको चाइनीज पागल लड़की तुम पागल बहुत इसको घाई रहता है पागल लड़की। किसको किसको ये चाइनीज पकौड़ा पसंद है फ्रेंड्स, आ जाओ खाने के लिए। अनाबिया को अच्छा लगता है। और किसको भी इसको पसंद है खाना, आप लोग भी खा लीजिए। ये लो, आप लोग भी खा लीजिए। हाँ फ्रेंड्स आइए खाइए आप भी। मैंने वो लगा जेम्स लगा और वो लगा तो खाता था अच्छा लगेगा। लम बना के देता हूँ जेम्स है। चलो फ्रेंड्स मैं भी खा लेती हूँ, मुझे तो ऐसी बहुत नींद आ रही है। अभी मैं सोने ही जा रही थी, इतना सर दर्द हो रहा है ना मेरे नींद के मारे कि आपको क्या बोलते बहुत ज़्यादा। रात भर जागी फिर सोई भी नहीं, सिर्फ 2 घंटा की नींद ली थी इसीलिए और सर दुख रहा है। अभी देखूँगी अभी क्या मगरिब का टाइम हो गया, अजान होगा फिर क्या सोऊँगी। सो तो फिर खाना ना खाना बनाओ, यहाँ पर कोई है थोड़ी कि खाना बना के खिलाएगा। मुझे खाना बनाना है। ले खाना बनाएगी तो मेरे लिए खाना बनाएगी। हाँ यहाँ पे मुझे कोई खाना बना के नहीं खिलाने वाला है, चाहे कितना भी बीमार रहो खुद को काम करना पड़ता है। मैं खाना बना के दे दूँगा। हाँ चलो फ्रेंड खा लेते हैं, आप लोग भी खाइए फ्रेंड्स चाइनीज पकौड़ा। आज मैं और अनाबिया मैचिंग कपड़े पहने हैं ना। पापा मैचिंग पहना। पापा कौन सा? पापा ब्लैक ही पहनते ना हमेशा, उनके पास सिर्फ ब्लैक ही कपड़ा है, ब्लैक के अलावा दूसरा नहीं है। सो फ्रेंड्स ये है नेक्स्ट डे और कल मैं वीडियो एंड नहीं कर पाई और कल के ब्लॉग में मैं बता भी नहीं पाई कि क्या मुझे प्रॉब्लम हो गया था क्योंकि मैंने पता है कल इतना दिमाग खराब हो गया था ना, इतना सर दर्द हो रहा था, मुझे इतना नींद आ रहा था बट सो नहीं पाई क्योंकि क्या हुआ ना, देखो सुबह मैं चली गई स्कूल में, जैसे मेरा भाई गया 6:30 बजे निकल गया, फिर उसके बाद मैं थोड़ा देर सोई, 2 घंटा सोई, फिर कैसे भी मतलब 2 घंटा सोई थी, वो भी कैसे अलार्म मैंने 9 बजे का लगाई थी, तो मुझे थोड़ा भी ये होता है ना अलार्म वगैरह बजता है कहीं से आवाज़ वगैरह आता है तो मैं उठ जाती हूँ। पहले ऐसे ही नहीं थी, पहले एकदम बेधड़ाक सोती थी, मेरे सामने तुमको कितना भी कुछ भी बजाओ मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था, मेरी नींद भी नहीं टूटती थी। लेकिन अब ऐसा हो गया ना शादी के बाद नहीं बच्चा होने के बाद थोड़ा सा भी अगर ये होता है ना तो उठ जाती हूँ, तो अलार्म 9 बजे का लगाई थी, तो अलार्म बजे जा रहा है मैं उठ रही हूँ, फिर बंद करके सो जा रही हूँ बार बार ऐसे कर रही हूँ। तो लास्ट में कैसे भी 10 बजे उठी टेंशन के मारे उठी कि अरे मैं नहीं गई थी, फिर पता नहीं है हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा एडमिशन, तो वहाँ पे गई। वहाँ पे जाने के बाद क्या हुआ वो तो आप लोगों को पता ही चल गया। उसके बाद घर पे आई तो 10:30 हो चुके थे, तो मोबाइल चला रही थी तो थोड़ा चलाई उलाई, फिर उसके बाद देना हमारा 3 कनेक्शन है ना पानी का, तो मतलब मोबाइल चलाना मतलब एक बहाना था टाइम पास करना, क्योंकि हमारे ऊपर वाली का ना पानी चालू था, आ जाएगा ना इसलिए, क्योंकि उस टाइम है ना ऊपर वाली का पानी चालू था, तो इसलिए फिर मैं पानी का कोई काम नहीं कर सकती थी, तो और मेरी टाँकी छोटी है ना तो कोई भी आ जाता है ना तो जल्दी पानी ख़त्म हो जाता है, तो मतलब ख़त्म भी नहीं हुआ था आधा पानी था, तो मैं सोच रही थी कि मैं थोड़ा भी अगर कपड़े वगैरह दूंगी ना तो पूरा खाली हो जाएगा, और फिर पता नहीं कब पानी बंद करे कब नहीं, तो इसलिए मैं पानी बंद करने का वेट कर रही थी। तो 12 बजे पानी बंद की तो उसके बाद मैं पानी चालू करी, मैंने मतलब 5 मिनट चालू था पानी, फिर ऑटोमेटिक है ना पानी चला गया मतलब बंद हो गया, मतलब मोटर की भी आवाज़ नहीं आ रही, पानी भी नहीं आ रहा, मेरे को इतना टेंशन हो गया कि क्या हुआ पानी तो नहीं चला गया ना, मैं इतना और एक तो टाँगी भी मेरी खाली होने वाली थी तो इतना टेंशन हो रहा था, तो 15-20 मिनट उसके चक्कर में चला गया। नीचे जो मेरी रूम वाली है ना रूम मालकिन, तो उसके पास गई कि पानी क्यों नहीं आ रहा है, तो जैसे मैं गई तो देखते आ रहे लॉक है, तो मेरे को टेंशन हो गया। और पीने का भी पानी में हमेशा मेरा एक जो हंडा रहता है ना भरा रहता है, बट उस दिन है ना थोड़ा सा खाली हुआ था, तो मुझे टेंशन हो रहा था कि अब मैं क्या करूँगी। तो
लॉक था, तो वो है ना उनका जो लड़का है ना, जो मेरे रूम मालकिन है उनका लड़का, तो उसका नंबर मेरे पास था, तो मैंने उसको कॉल किया, तो उसको मैंने बोला कि अपनी मम्मी का नंबर दो, तो उसने अपनी मम्मी को फ़ोन लगाया, बट उसकी मम्मी रिसीव नहीं कर रही थी क्योंकि शायद बिजी होंगी। तो फिर उसके बाद मैंने बोला कि अब मैं क्या करूँ, मैं कैसे पानी भरूँ, तो उसने बोला कि बाजू वाली आंटी से चाबी लो, वो पहले मुझे चाबी नहीं दे रहे थे, तो मैंने डायरेक्ट उनके लड़के से बात करवाई, तो बाजू वाले ने मुझे चाबी दिया। तो मेरे को तो बहुत डर लगता है किसी का घर लॉक रहता है ना, कोई मुझे बोल दे जाने के लिए, पता नहीं ऐसा दिल धक धक कर रहा था घर में जाने के लिए, पता नहीं मेरे को बहुत डर लगता है किसी के घर में जाने, मतलब स्पेशली घर में कोई ना हो तो मुझे बहुत डर लगता है जाना। तो कैसे भी मैं घर में गई, तो चालू कर रही हूँ तो मोटर की आवाज़ नहीं आ रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है। बाद में पता चला नीचे लाइट नहीं है, ऊपर लाइट नहीं है, बट मेरा लाइट है, पता नहीं कैसा कनेक्शन है, समझ में ही नहीं आता हम लोगों का पानी का। तो नीचे लाइट आई ना, तो उनके कनेक्शन से मैंने पानी भरी, उनके कनेक्शन से मैंने पानी भरी, लेकिन जब मैं मोटर चालू कर रही, मेरा चालू कर रही, तो मुझे पानी नहीं आ रहा है क्योंकि ऊपर लाइट नहीं था। तो नीचे वाले कनेक्शन से मैंने पानी भरी, तो मेरा 15-20 मिनट वैसे ही चला गया। मतलब मेरा उस दिन काम हुआ था, मतलब कल मेरा काम हुआ था 2:30 बजे, इतना दिमाग खराब हो गया था ना कि क्या बताऊँ फ्रेंड्स। तो यही दिमाग खराब कर हुई बात हुआ था, पानी को लेकर बड़ा टेंशन होता है मुझे, सही बोलूँ। कल मुझे पता है इतना ऐसा फील हो रहा था ना कि काश मेरा खुद का घर होता ना, तो इतना टेंशन नहीं होता पानी को लेकर, सही बोल रही हूँ। हाँ पानी का टेंशन होता है, कभी आता नहीं जाता, आता नहीं आता, वो बात अलग है, लेकिन मतलब नीचे का कनेक्शन से मुझे पानी भरना पड़ा, वो बहुत फील हो रहा था कि मेरा खुद का घर होता तो मुझे इतना टेंशन नहीं होता पानी होने के लेके या किसी और चीज़ के लिए लेके। आप लोगों को पता है फ्रेंड, एक महीना भी भाड़ा ऐसा लेट हो जाता है ना, तो ऐसा दिल धक धक करने लगता है कि वो आके बोल ना दे, वो आके बोल ना दे। हालांकि वो बोलती नहीं है, बट ऐसा फील होता है ना कि कोई कुछ बोल ना दे, मुझे बहुत ये लगता है। अगर किसी का 1 रुपये भी बाकी रहता है ना, तो मेरे को बहुत टेंशन रहता है कि सामने वाले बोल ना दे, बड़ा टेंशन रहता है। और भाड़े के रूम का तो सच्ची बताओ बहुत टेंशन रहता है, हर महीने का टेंशन रहता है कि हर महीने इतना अमाउंट अपने को इसको देना ही देना है, वो हो गया, भाड़ा हो गया, पानी बिल हो गया, बड़ा टेंशन रहता है। बस फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा बताना, कमेंट करना, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।